आई होप नहीं, आई नो कि ये गाड़ी हमको घर तक पहुंचाएगी वापस। और एक रीत ये थोड़े से खड़ूस है और आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप जा कहाँ रहे हो, आए कहाँ से हो। इसके आगे नहीं है ना मनाली, हो केलोंग में ही मिलेगा सीधा हमको ना। तो सुंदर सी सो में रेडी ले क्या हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यात्रा वीडियो की ब्लॉग। देखो यार रात यात्रा करेंगे साथ। सो भाई सबसे पहले तो देखो और हम लोग हैं मेरुक गांव में। तो अभी आज का हमारा कुछ प्लान ऐसा है कि हम लोग जाने वाले हैं सुमोरेरी, यहाँ पहले हम हालने रुकेंगे, वो हमारा डिसाइडेड नहीं। अभी हम लोग ऐसे ही चलते यार, एकदम से बनता है हमारा प्लान। अब हम सोच रहे हैं हालने जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हालने में कुछ खास है नहीं, ऑब्जर्वेटरी है तो अपने को शौक नहीं है देखने का, आप लोग जा सकते हो। तो अभी हम डिसाइड करेंगे सबसे मिल के। बाकी अपनी फीस को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब ये पता नहीं इसमें पर भरोसा है पूरा का पूरा घर पहुँचाएगी। जैसे गियर ऑयल लीक हो रहा है, डिफरेंशियल से फ्रंट डिफरेंशियल ख़राब हो गया, थोड़ा सा इसका सील टूट गई इसकी फ्रंट डिफरेंशियल की। तो हर हर महादेव बोल के चल पड़ेंगे। आई होप नहीं, आई नो ये गाड़ी हमको घर तक पहुँचाएगी वापस। मेरी ब्लैक लिस्ट यार ऐसी थोड़ी है, कम ऑन मैन, इसके ये है कि कैसे यार हम लोग देखो अपना रहता है टूट टूक से लेके, हम लोग हर जगह पे अच्छी जगह पे रुकते हैं। तो आपको एक और स्पॉट बताता हूँ, अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो आप कहाँ पे रुक सकते हो। जैसे ही आप मेरू गांव एंटर करोगे आपको सबसे पहले मिलेगा रालपा होम स्टे एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाता है और यहाँ पे होम स्टे भी है, साथ में कैंप भी ले सकते हो। जैसे होम स्टे तो कल छूटता तो हमको कैंप लेना पड़ा था। ये देखो सारा पैसा निकाल दिया हम लोगों ने, 10-10 रुपये चिल्लरी का ठेकर दिए हम, क्योंकि हम कैश लेके, कैश हमारे पास ख़त्म हो गया और नेट यहाँ पे चल नहीं रहा है। हैदर भाई ने पूरा खाली कर दिया, सारा निकाल दिया। दोनों दीदी है जिनका यहाँ पे होम स्टे है, रालपा होम स्टे। सबसे पहले गांव में घुसते एंटर करते हैं इनका आता है। अगर आप उस साइड से आ रहे हो, कौन सी वाली साइड से आए हम लोग, टुटुक वाली साइड से आए ना, तो सबसे पहले आपका ही आता है ना होम स्टे दीदी। हाँ तो यहाँ पे कैंप मेरक में है, तो सबसे पहले इनका होम स्टे आता है। और यहाँ पे कैंप भी है, रेस्टोरेंट भी है, पेंगोंग स्टे वाना दीदी के पास है ना, बहुत अच्छे दीदी, इन्होंने खाना बड़ा अच्छा खिलाया हमको कल से लेके। और एक दीदी ये थोड़े से खड़ूस है मजाक कर रहा हूँ दीदी। तो दीदा ये दोनों चलाते हैं बहुत अच्छे से, और आपको यहाँ पे सब कुछ ही मिल जाएगा। देखो आपको रास्ते में आगे कुछ नहीं मिलता, पीछे भी कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ से आप एक बार अपना सामान कैरी कर लो सब, बाकी आप फिर आगे को अपनी जर्नी कंटिन्यूस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे दीदी। ये देखो दीदी ने आपको पूरा खाली कर दिया। अब हमारे पास जी में 1 रुपया भी कैश नहीं है ना, 10 रुपये बचे हैं। सो गाइस देखो कैसे हम 10 रुपये से बागी का लद्दाख पूरा घूम रहे हैं। है भैया हम 10 रुपये से पूरा लद्दाख घूमने वाले आगे आगे नेटवर्क होना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं। एटीएम वगैरह नहीं, हमने यार हमने कुछ गलतियां की, आप लोग मत करना। कैश लाना, एटीएम जब भी आपको मिले तो विड्रॉल कर देना, तेल होता जब भी भर देना, आपकी लाइट बिल्कुल कम्फर्ट रहेगी। तो अब हम भी चलते हैं, यहाँ बैटरी नहीं, अभी लाइट नहीं हुई है, तो अब सीधा गाड़ी में फोन चार्ज करेंगे। और आज का सफर भी है थोड़ा सा लंबा, देखते हैं अभी आपको मिलते हैं। लेट्स गो गाइस, दिन है रात, यात्रा करेंगे साथ। बाहर अगर आप आ रहे हो आपको लोकेशन एकदम यहाँ से दिख जाएगी, और यहाँ से जो व्यू दिखता है ये दीदी ने खुद बनाया है, ये वाला है, आप लोगों ने खुद बनाया ना रिज जो बीच में बनाया हुआ है, भाई मजा आ गया। ये तो देख के पॉइंट देख के यहीं पे आओ, यहीं पे आपको सबसे अच्छे फोटो मिलेंगे। ये वाला सेम 3 इडियट्स वाला सीनेरियो बनाया, देखो यार मेहनत बहुत मेहनत करते हैं यार ये लोग। देखो वो रिज इन्होंने लेक के बीच से इन्होंने एक रिज बनाया है पूरा रेत का, और कितना टाइम लगा होगा यार। और फर्स्ट डे था इनका जो कल ओपन था, फिर भी इन्होंने मतलब बनाया और हम लोग फर्स्ट थे इनके पास आने वाले, और बहुत मजा आया यार यहाँ पे। ठीक है दीदी, आएंगे दोबारा आएंगे हम आपके पास। ऑन द वे एक जगह दिखी मेरे को, रिजांगला वॉर मेमोरियल। तो ये भी एक वॉर मेमोरियल है, एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो गाइस ये है रिजांगला वॉर मेमोरियल, और ये देख लो हमारा इंडिया का झंडा कैसे लहरा रहा है यहाँ पे, साथ में और झंडे भी है। खैर हम अंदर विजिट तो नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हमको बहुत लंबा रास्ता, पर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप डेफिनेटली जाओ अंदर। बाकी आपको इसकी स्टोरी में चलते चलते बताता हूँ रिजांगला वॉर मेमोरियल क्यों बना है। द बैटल ऑफ रिजांगला 1962 November 18 Rizangla high altitude war against China. तो इस बैटल में 120 सोल्जर्स थे, चार्ली कंपनी ऑफ 13th कमाऊ रेजिमेंट।
जिसको लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। और काफी आउट नंबर्ड होने के बाद भी रिजांगला वॉर में हमारे 114 सोल्जर्स शहीद हुए थे, बट उन्होंने बहुत ही ज्यादा चाइनीज आर्मी को रोक के रखा था काफी देर तक। सो जय हिंद फॉर रिजांगला वॉर मेमोरियल। तो अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं टू वर्ड सोमरेरी, और उसके बीच में थे ये रग बैरन माउंटेन, और जो रास्ते थे इसमें भाई गाड़ी की हालत खराब हो रही है। साथ ही साथ अब रास्ते में आने लगे हैं सैंड ड्यून्स, और ये देख लो वाइल्ड एज बोलते हैं ये जंगली गधे होते हैं, और ये भाई क्या भागते हैं ना, अगर दूसरे गधे इनको मिल जाए तो ये उनका बुरी हालत कर देते हैं। जैसा बीच में एक पॉइंट आता है वहां पे, आपको यहाँ पे एक पॉइंट होगा नो एंट्री जोन, और एक होगा बोर्ड लगा हुआ है लोमा टी सागा तारा, तो हमको पकड़ना है लोमा टी सागा तारा वाला। नेक्स्ट मूव। तो गाइस रास्ता तो बहुत प्यारा है यार, इस रास्ते में आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। तो अब से काफ़ी देर का ट्रैवल है हमारा सैंड ड्यून के बीच में, और ये भी एक यार अपने आप में कोल्ड डेजर्ट में सैंड ड्यून बने हैं लेह लद्दाख में। तो यात्रियों यार मेरे तो देखो होंठ बुरी तरह फट गए हुए, मेरी भी बहुत बुरी तरह फट गए। एक शूट लेना भूल गए यार, उसका शूट ले लिया होता ना अगर हमने, मजा आ जाता। क्यों अभी ना हमारी गाड़ी बुरी तरह से स्टक हो गई थी, तो उस पैनिक को और ना बताऊं कि उस चक्कर में ना मतलब थोड़ा सा पैनिक वाला सिचुएशन हो गया था, कि क्योंकि मेरा ना मैंने आप लोग दिखाया नीचे 4x4 मार नहीं सकता, तो उस टाइम एक ध्यान नहीं था कुछ भी, बस उस टाइम जल्दी से जैसे तैसे करके हमने निकाली गाड़ी धक्के मार के, एकदम कोई शूट करने वाला था निकालना पड़ना था, और निकाल दी गाड़ी, नहीं तो ऐसा लग रहा था फंसी गए। क्यों लिखसू पर निकाली कैसी, पर निकाली कैसी जबरदस्त हमने ऊपर को देख। मैंने बोला था लेकिन आपको पहले ही वहां से निकालो, लेकिन नहीं आपने सुनी। अरे क्या करना उस टाइम नहीं मैंने सुनी, सुनने वाला होता तो मैं फिर हट्टी कहाँ रहता थे, तू भी मेरी तरह हट्टी बन जाएगा मेरे को पता है। हाँ भाई लद्दाख तो ऐसा है ना, इतना लंबा ट्रिप हो गया ना, मजा भी आ रहा है, मतलब आज का सफर काफी लंबा जैसा है, और रास्ता बहुत खराब है यार, बहुत ज्यादा खराब रास्ता है। हाईलक्स देखो कैसे निकलता है, तो गाड़ी 40 लाख की गाड़ी है यार, मजा आ जाए उसको चलाने का। यहाँ से बाहर का व्यू देखो। हेलो वेली भाई, क्या है पानी भर के? ऑल गुड, हाँ पानी भर के आए, ताज़ा पानी, ताज़ा ताज़ा पानी, हवा देखो हवा भाई हवा ले जाए हवा है, क्यों भाई खतरनाक हवा। हालने में ही मिलते हैं सीधा, क्योंकि एक तो ऑफ रोडिंग है पूरा का पूरा रास्ता गंदा है, तो वहाँ तक ना शूट करना, ये तो अभी मन नहीं कर रहा है शूट करने का भी, सच बोलूँ, क्योंकि ऐसा है कि चलते जाते सीधा हानले पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत ही गंदा रास्ता है ये वाला बीच में भाई, सैंड ड्यून्स के बीच में से पूरा पथरीला। क्यों वेदर भाई, या आया अभी तक का सबसे गंदा रास्ता हमको यही मिला है या सीधा विंड मैन सो स्ट्रांग। चलो सो गाइस मिलते हैं अब सीधा हानले में, हानले सॉरी फॉर अभी बीच का कोई शूट नहीं आएगा, हानले में आएगा सीधा कितना रहेगा। गाइस पहले हम सोच रहे थे हानले हानले जाने के, फिर हमने सोचा हानले में कुछ है नहीं यार, सिर्फ ऑब्जर्वेटरी एक। क्यों वेदर भाई, फिर हमने वो ये ना फालतू क्यों हम उस साइड को वेस्ट करें, तो हम लोग निकल गए सीधा यहाँ से, एक देखो चेक पोस्ट आता है वहाँ पे शूट नहीं कर सकते, वहाँ पे हमने एंट्री वगैरह करवाया अपना, तो अब यहाँ से हम सोमरेरी की तरफ को निकल रहे हैं सीधा ही, तो हम डायरेक्ट वहाँ से वहाँ पहुँचते हैं न्योमा, न्योमा से थोड़ा सा रिफिल करेंगे सोमरेरी, सोमरेरी से फिर पांग पांग होते हुए। तो हानले का हमने नहीं रखा है, आप लोग हानले चाहे तो जा सकते हो, एक दिन एक्स्ट्रा लगा के आप हानले रह सकते हो, पर हमने हानले कैंसिल कर दिया अपने से। ऑल इज गुड, सबका म्यूचुअल डिसीजन, यस ऐसा लग रहा है, यस किसी ने नहीं बोला। तो रास्ता भाई अब आ गया अच्छा रास्ता, अब थोड़ा सा सुकून मिला है, क्योंकि इतनी देर का कम से कम कितना ड्राइव था वहाँ तक का, 60 किलोमीटर्स का भाई, इतना गंदा रास्ता था, सच बता रहा हूँ बहुत बुरा हाल था रास्ते का।
बाकी आगे देख लो हवा कैसी चली है। गाड़ी में भी भाई ऐसा साउंड फील हो रहा है शीशे बंद करने के बाद भी। तो यात्रियों, द जर्नी टूवर्ड सोमोरेरी इज वेरी ब्यूटीफुल। व्हाई? यू हैव टू एनकाउंटर सैंड ड्यून्स एंड आपको देखने को मिल जाती है बहुत सारी इंडियन आर्मी, किस तरह से वो डिप्लॉय और किस तरह से वो हमारे देश की रक्षा के लिए इस हाई एल्टीट्यूड पे खड़ी हुई है। और यहाँ पे लिटरली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सैंड ड्यून्स में ऐसी तेज़ हवा चलती है ना, और जिससे पूरी रेत इधर उधर यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करती रहती है। बट आर आर्मी ऑलवेज रेडी फॉर एनीथिंग। तो कभी भी कुछ भी हो जाए तो हमारी आर्मी भाई हमेशा तैयार है। तो एक बार तो हमारी आर्मी के लिए एक सल्यूट बनता है। जय हिंद। सो गाइस, कमेंट फॉर आवर इंडियन आर्मी। सो गाइस, वी आर एट न्यूमा पहुंच गए और अभी यहां से पेट्रोल रिफिल कराना है। इसके बाद हमको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है किलोंग तक, इसके बाद हमको किलोंग ही मिलेगा। तो अभी यहीं से एक बार रिफिल करा देते हैं, बाकी देखा जाएगा आगे। यहाँ पे लास्ट बार रिफिल करा सकते हो जाते हो अगर आप मनाली साइड को जा रहे हो। इसके आगे नहीं है ना मनाली, वो किलोंग में ही मिलेगा सीधा हमको ना। हम लोग यहीं से रिफिल कर लेंगे अब फुल, और इसके बाद सीधा ब्रेक मारेंगे सोमोरेरी, उसके आगे लॉन्ग में ही भरेंगे। कौन जाएगा अपना वैसे हो जाएगा जहाँ तक आइडिया मेरे को। अब तो चाय मिल जाए ना यार, बहुत ज़रूरत है चाय की। तो न्यूमा के आगे ना यार गांव आते रहते हैं, मेरे को जहाँ पे तक पता है कि न्यूमा से आगे गाँव आते रहते तो आपको खाने वगैरह को मिलता रहेगा, तो हम भी देख रहे कोई अच्छा सा मिल जाए। थोड़ा सा ही आगे तो और 500 मीटर और आगे गए ना न्यूमा का पूरा गांव भी रिस्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको बैंक बुक भी मिल जाएगा, हम देख रहे हैं एटीएम मिल जाए तो थोड़ा कैश भी ले ले, कैश खत्म है तो मैं सर्च कर रहा हूँ यार कोई मैकेनिक मिल जाए। तो गियर ऑयल है उसको रिफिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल अब मेरे को लग रहा है ज़्यादा लीकेज हो रही है, थोड़ा सा रिफिल कराना ही पड़ेगा। सो गाइस, अब जाके आप ना इतनी पॉजिटिविटी वाली स्माइल देख रहे हो, हुआ क्या कि हमने खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, मैकेनिक को चेक भी करा लिया। मैकेनिक को बोलते टेंशन फ्री जाओ, इतना नहीं लीक हो रहा है ऑयल, हो तो रहा है लीक देखो। अब अच्छा लगता है किसी ने बोल दिया कि जाओ तो ठीक है यार, ओके लेट इट बी, हम चले जाएंगे वहीं तक। बाकी अब हम जा रहे हैं सबसे पहले कुगा और हॉट वाटर स्प्रिंग, वहां पे देखते हैं नहाएंगे, उसके बाद सोमोरेरी, उसके बाद हर हर महादेव करके देखते हैं क्या करेंगे। जो भी करेंगे आपको पता चल जाएगा। ब्लॉग को एंड तक देखो, मजे करो, हम भी मजे कर रहे हैं। क्लिक्सु बेचारा पीछे बोर हो कैसे को बाहर को देखी जा रहा है, क्या हो गया? सो गाइस, वी रीच चुमाथांग विलेज। तो बीच बीच में आपको ना, अब जैसे आप पेंगोंग से इधर को आते हो तो आपको बीच में छोटे विलेजेस मिलेंगे, कुछ 60-70 किलोमीटर तो आप लोग ऑफ रोड करते हो, उसके बाद आपको विलेजेस मिलते हैं। जैसे हमको लास्ट मिला था अभी, तो जैसे आपको न्यूमा विलेज मिला था पीछे, वैसे ही आपको एक और विलेज मिल जाएगा आगे, चुमाथांग विलेज। ये जो आप विलेज देख रहे हो चुमाथांग है, और यहाँ पे नेटवर्क भी आता है। सबसे बड़ी बात है आपके पास नेटवर्क अगर आपको चाहिए तो आपके पास एयरटेल का पोस्ट पेड होना चाहिए। एयरटेल के पोस्ट पेड नहीं है तो कोई फायदा नहीं, आप जो मर्जी सिम ले आओ, एयरटेल भी ले आओ, प्रीपेड नहीं चलती है, सिर्फ पोस्ट पेड चलता है यहाँ पे। गाइस, तो ऐसा हो गया ना यार, हम लोग ना 40 किलोमीटर आगे आगे गलत, तो हमने थोड़ा गलत ले लिया, हमने ब्रिज से टर्न करा था, हमने टर्न नहीं लिया भाई, और टाइम हो गया बहुत। तो अब देखते हैं ब्रिज के पास पहुंचते हैं क्या सीनेरियो है। सबसे पहले आगे तो आई गए 80 किलोमीटर हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, और एक तो पेट्रोल पंप भी नहीं है रस्ते में, बट वी विल मैनेज समथिंग, देखते हैं। तो जिस विलेज के बारे में आपको लास्ट में बता रहा था चुमाथांग, तो हमारा महाब्रिज आता है चुमाथांग से भी 20 किलोमीटर पीछे, तो हमारा 40-45 किलोमीटर का हमने एक्स्ट्रा सफर कर लिया था। गाइस, तो अब हमने पहुंच गए, अब जाके हम एक्यूरेट रास्ते पे आ गए। बट यात्रियों, रास्ते चाहे ठीक हो चाहे गलत, हमारी यात्रा नहीं रुकती, यात्रा जाएगी तो खरा ठीक रास्ते से हम लोग द्वारा गलत रास्ते पे भी आ जाते हैं, और गलत से हम उस रास्ते को ठीक भी कर देते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड अ वे, दैट्स हाउ माई जर्नी एंड यात्रा गोज ऑन गाइज। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होने वाले रग माउंटेन और बहुत ही सुंदर वैली की तरफ हम घुसने वाले हैं, सोकर वैली, सोमोरेरी लेक के हमको दर्शन होने वाले हैं।
एंड सुमोरेरी लेक से रह जाता है चाइना बॉर्डर ओनली 20 किलोमीटर्स और वहाँ पे भी हमारी आर्मी डिप्लॉय है गाइज. सो गाइज यू एंजॉय द लैंडस्केप्स. अब आपको मिलते हैं हम सीधा सुमोरेरी लेक पे ही. बट आपके सामने ये सुमोरेरी लेक नहीं है, इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन. सुमोरेरी तो अभी आएगी, बहुत ही सुंदर, जैसे पेंगोंग थी उसी तरह से हमको सुमोरेरी लेक दिखने को मिलने वाली है. स्नो कैप्ड माउंटेन से सराउंडेड. तो ये लो जी हमारे लेफ्ट में आ गई है सुमोरेरी लेक. बट वेदर बिल्कुल ब्लू नहीं है तो आपको इसका इतना ब्लू कलर देखने को मिलेगा नहीं. बाकी वी विल ट्राई इन द मॉर्निंग. बड़ा लंबा सफर था बीच में 100 किलोमीटर गलत चले गए, आगे वो उसी पहुँचने वाले थे. उस चक्कर में थोड़ा सा वेली भाई भी नाराज जैसे हो गए, मतलब वो भी चिड़चिड़ हो गए. चलो सब कुछ सब ठीक कर देंगे. तो सुंदर सी सो मेरे लिए लेके यार. तो यार सुमोरेरी में ना सारे होटल बुक थे, टोटल होटल बुक थे. तो हम लोगों को एक गेस्ट हाउस मिला और हम लोग क्या देखने मिले, इतना प्यारा जैसा सीखना, इतना सुंदर लग रहा देखते ना. ये देखो छोटी सी बच्ची है यार, छोटी सी बच्ची कितनी प्यारी है. अरे मामा, अरे मामा, अरे मामा, अरे मामा, अरे मामा, नहीं नहीं कुछ नहीं करता. सो गाइस जैसे आपने देखा था लास्ट नाइट हम लोग पहुंच गए थे सुमोरेरी और अभी देख लो सुमोरेरी का मॉर्निंग व्यू. तो यार मैंने रात को ब्लॉग ख़त्म नहीं कर पाया बिकॉज यहाँ पे लाइट नहीं होती. यहाँ पे रात को 10 बजे तक लाइट होती है सिर्फ, वो भी आर्मी के थ्रू है, उसी यार लाइट नहीं होती. तो हम लोग लेट पहुँचे थे, ना फ़ोन चार्ज हुआ, ऊपर से गाड़ी में भी दिक्कत है. ये देख लो यहाँ से कि ये रॉयल लीक हो रहा है और आज का हमारा सफ़र है बहुत लंबा. तो ये मनाली जाके या केलोंग जाके ठीक होगा. गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, जल्दी से करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट. तो सुमोरेरी हमारे पीछे है तो सुमोरेरी से हम इस ब्लॉग पर शूट करना स्टार्ट करेंगे. सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, दिन हो या रात यात्रा करेंगे साथ.